एलजी फ्रंट एंड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दोस्तों 8 kg 5-star में आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ऐसे में दोस्तों अगर आप कंफ्यूज है कि आखिर आपको अपने लिए इनमें से कौन सी वॉशिंग मशीन परचेस करना चाहिए, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको LG 8 kg 5-star वॉशिंग मशीन के जितने भी मॉडल्स अवेलेबल हैं उनके बीच में डिटेल कंपैरिजन करके बताऊंगा, साथ ही आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें और प्रोज एंड कॉन्स, जिससे कि आपको मदद मिलेगी अपने लिए एक बेस्ट बाइंग डिसीजन लेने में। फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको फ्रंट में एक डोर मिलता है, उसी डोर को ओपन करके मशीन में आपको कपड़े लोड करने होते हैं और फिर वॉश साइकिल और स्टार्ट बटन को प्रेस करना होता है। मशीन आपको दो भी पछाड़ वॉश यानी कि टंबल वॉशिंग क्वालिटी प्रोवाइड करती है और फिर कपड़ों को ड्राई भी करती है। वहीं फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रॉज यानी कि फायदे ये है कि कंपेयर टू टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले ये वॉशिंग मशीन पानी की खपत कम करती है, वहीं बिजली की खपत भी काफ़ी कम करती है। वहीं दोस्तों टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले इन वॉशिंग मशीन में आपको वॉशिंग प्रोग्राम और फीचर्स भी ज़्यादा मिलेंगे। कौन से की कमी की बात करें तो कमी केवल इतनी है कि टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन प्राइस में आपको महंगी मिलती है। अगर आप पहली बार अपने लिए कोई वॉशिंग मशीन परचेस करना चाहते हैं या फिर पुरानी मशीन को अपग्रेड कर एक नई मशीन परचेस करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि आखिर आपको अपने लिए किस टाइप की वॉशिंग मशीन परचेस करना चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक, टॉप लोड या फ्रंट लोड, वॉशिंग मशीन फैमिली मेंबर के हिसाब से कितने किलो की परचेस करें, 6 kg, 7 kg या फिर 8 kg, एक वॉशिंग मशीन के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होना चाहिए जिससे कि मशीन से आपको बहुत ही बढ़िया ब्रिलियंट वॉशिंग क्वालिटी मिले, वॉशिंग मशीन में कपड़े लोड करते समय आपको किन किन बातों के बारे में पता होना चाहिए और डिटर्जेंट आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मैंने आपके लिए डिटेल में वीडियो बना हुआ है जो कि कंप्लीट वॉशिंग मशीन बाइंग गाइड वीडियो है। वॉशिंग मशीन परचेस करने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपने लिए एक बेस्ट वॉशिंग मशीन परचेस कर पाएंगे। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। LG 8 kg फ्रंट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ये कंपैरिजन वीडियो हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम आपको इन वॉशिंग मशीन के डिफरेंट फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे इन वॉशिंग मशीन के कॉमन फीचर्स और टेक्नोलॉजी के बारे में, और फिर हम आपको बताएंगे प्रॉज एंड कॉन्स यानी कि क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आपको जो है वो LG की फ्रंट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में मिलता है, और सबसे अंत में बताऊंगा दोस्तों आपको मेरा रिकमेंडेशन कि आपको LG की 8 kg 5-star फ्रंट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में से कौन सी वॉशिंग मशीन परचेस करना चाहिए। LG 8 kg 5-star फ्रंटल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 टाइप के मॉडल आते हैं। सबसे पहले इन दोनों ही वॉशिंग मशीन के हम डिफरेंट फीचर्स के बारे में जानना शुरू करता है। तो दोस्तों एक मॉडल जो आता है वो नॉर्मल फीचर के साथ आता है और दूसरा मॉडल दोस्तों आपको AIDD टेक्नोलॉजी और वाईफाई इनेबल फीचर के साथ मिलेगा, यानी कि दोस्तों वाईफाई इनेबल का फीचर आपको उस वॉशिंग मशीन के अंदर देखने को मिल जाता है जिसमें आप गूगल एलेक्सा या वॉइस कमांड के थ्रू वॉशिंग मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, और इसके लिए दोस्तों आपको LG की थिंक्यू ऐप को आपके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होता है। दूसरा जो फीचर मिल रहा है दोस्तों AIDD टेक्नोलॉजी का फीचर। AI के नाम से आप समझ गए होंगे कि दोस्तों मार्केट में बहुत सारे AI टूल्स अवेलेबल है जैसे कि ChatGPT, उसमें केवल आपको जो है वो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए केवल उसकी बॉटम लाइन लिखनी होती है, और ChatGPT दोस्तों जो है वो अलग अलग रिसोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देती है। सेम AIDD टेक्नोलॉजी जो है वो वॉशिंग मशीन में भी इसी तरीके से काम करती है। LG की इस वॉशिंग मशीन में दोस्तों जो है वो 20,000 वॉशिंग पैटर्न का डेटा ऑलरेडी सेव है। वॉशिंग मशीन में जब कभी भी आप कपड़े लोड करेंगे तो जो भी फैब्रिक का टाइप है वॉशिंग मशीन उसे सेंस करेगी नहीं, उसे डिटेक्ट करेगी और फिर दोस्तों वॉशिंग प्रोग्राम को सेलेक्ट करेगी, फैब्रिक के वेट को सेंस करेगी और वाटर लेवल को मैनेज करते हुए आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी प्रोवाइड करेगी। वहीं वॉशिंग प्रोग्राम की बात करें तो नॉर्मल वॉशिंग मशीन में आपको 10 वॉशिंग प्रोग्राम मिलेंगे जबकि AI वाली वॉशिंग मशीन में आपको 14 वॉशिंग प्रोग्राम मिलेंगे, और स्पिन स्पीड दोस्तों नॉर्मल वॉशिंग मशीन में आपको 1400 RPM की मिलेगी जबकि AI वाली वॉशिंग मशीन में आपको 1200 RPM की स्पिन स्पीड मिलेगी। एक वॉशिंग मशीन में दोस्तों स्पिन स्पीड के RPM जितने ज़्यादा होते हैं वो वॉशिंग मशीन आपके कपड़ों को उतने ज़्यादा जल्दी फास्ट ड्राई करती है यानी कि जल्दी से आपके कपड़ों को सुखाती है। डिफरेंट फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के बाद अब हम बात करेंगे इन दोनों ही वॉशिंग मशीन के कॉमन फीचर्स और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो दोस्तों इन दोनों ही मशीन्स में आपको इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर मिलती है और ये मोटर दोस्तों काफ़ी कम नॉइस करती है और अच्छी खासी आपको पावर सेविंग प्रोवाइड करती है। दोस्तों जो मोटर आपको मिल रही है वो बेल्ट इन ड्राइव मैकेनिज्म वाली मोटर नहीं मिल रही है, इसमें कोई भी बेल्ट लगा हुआ नहीं है, इसलिए जब कभी भी आप इस मशीन में कपड़े वॉश करेंगे तो मशीन जो है वो नॉइस काफ़ी कम करेगी। वहीं दोस्तों इस मशीन के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील का बना हुआ टर्बो ड्रम मिल जाता है, ये ड्रम काफ़ी मजबूत है और आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी में काफ़ी हेल्प करता है। इस मशीन में दोस्तों आपको जो है वो 6 motion DD टेक्नोलॉजी का फीचर मिलेगा और दोस्तों ये टेक्नोलॉजी जो है वो एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी आपको प्रोवाइड करती है।
इन दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको चाइल्ड लॉक का फीचर मिल जाता है, वहीं दोस्तों आपको जो है वो स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर भी मिलेगा। सपोज अगर वॉशिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो आप LG की थिंक्यू ऐप पर प्रॉपर ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं या फिर LG के कस्टमर केयर पे कॉल करके भी अपनी प्रॉब्लम वहां से फिक्स करा सकते हैं। इन दोनों वॉशिंग मशीन में आपको इनबिल्ट हीटर का फीचर मिल जाता है, यानी कि गर्म पानी में भी आप कपड़े इन दोनों ही मशीन में वॉश कर सकते हैं। साथ ही आपको स्टीम का फीचर भी मिलता है, यानी कि जब कभी भी आप स्टीम के वॉशिंग प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे और मशीन में कपड़े वॉश करेंगे तो मशीन भाप बनाकर आपके कपड़ों को अच्छी तरीके से वॉश करेगी। दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको ऑटो रिस्टार्ट का फीचर मिल जाता है। सपोज अगर आपने मशीन में कपड़े लोड कर दिए हैं और वॉश करना शुरू कर दिए हैं और बीच में अचानक लाइट चली गई, तो दोस्तों जब कभी भी दोबारा लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो मशीन आपके कपड़े वहीं से वापस से वॉश करना शुरू करेगी जहां पर उसने लाइट जाने पर स्टॉप किए थे, यानी कि आपको अलग से दोबारा कोई भी वॉश साइकिल या प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको लिंट फिल्टर मिल जाता है और लिंट फिल्टर को दोस्तों आपको जो है वो टाइमली साफ करना होता है 1 से 1.5 हफ्ते में बाहर निकालकर। ऐसा करने की आपको जरूरत क्यों है? क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि मशीन में जब कभी भी हम लगातार कपड़े वॉश करते रहते हैं तो जो भी कपड़ों के रूबे होते हैं या जो मेल होता है वो एक परत के रूप में जो है वो लिंट फिल्टर के ऊपर जाकर जमा हो जाता है, इसलिए उसे निकाल कर टाइमली साफ करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। वहीं वारंटी की बात करें तो दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको 2 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी और 10 साल की मोटर पर। प्राइस की बात करें तो दोस्तों नॉर्मल वाली जो वॉशिंग मशीन है उसके करंट प्राइस है 32,990 रुपये, वहीं दोस्तों आप AI वाली वॉशिंग मशीन अगर फिलहाल परचेस करेंगे तो उसके करंट प्राइस है 36,990 रुपये। दोनों ही वॉशिंग मशीन की बेस्ट बाइंग लिंक दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेटेस्ट प्राइस एंड फीचर के लिए आप बेस्ट बाइंग लिंक को जरूर चेक करें। LG फ्रंटल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 8 kg कैपेसिटी के अलावा आपको 6 kg, 7 kg और 9 kg कैपेसिटी के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और उन सभी मॉडल्स के लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन वॉशिंग मशीन को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे LG की फ्रंटल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। तो दोस्तों कॉन्स यानी कि कमियां आपको ये देखने को मिलती हैं कि कंपेयर टू अदर ब्रांड के मुकाबले वॉशिंग मशीन की ड्रम की साइज आपको थोड़ी सी छोटी मिलती है, यानी कि 19-20 का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वॉशिंग मशीन में दोस्तों आपको इनबिल्ट वाटर सॉफ्टनर डिवाइस भी नहीं मिलता है। अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर आता है जिसका TDS लेवल काफ़ी ज़्यादा है तो दोस्तों आपको एक अलग से वाटर सॉफ्टनर डिवाइस जो है वो वॉशिंग मशीन के वाटर इनलेट पाइप के साथ इंस्टॉल कराना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जो वाटर सॉफ्टनर डिवाइस होता है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करता है और सॉफ्ट वाटर में कपड़े आपके अच्छी तरीके से वॉश होते हैं। बेस्ट वाटर सॉफ्टनर के डिवाइस की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या फायदे यानी कि प्रॉस आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों एक अच्छी सॉलिड बिल्ट क्वालिटी आपको वॉशिंग मशीन के अंदर देखने को मिल जाएगी, इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, इनबिल्ट हीटर का फीचर आपको वॉशिंग मशीन के अंदर देखने को मिल जाता है और सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो एक फ्रंटल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में होना चाहिए वो सारी आपको LG की वॉशिंग मशीन के अंदर देखने को मिलेगी, वो भी अच्छी वॉशिंग क्वालिटी के साथ में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों की LG की जो आफ्टर सेल सर्विसेस है वो भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि LG की इन दोनों 8 kg 5-star फ्रंटल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में से आपको किसे परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों ये टोटली डिपेंड करता है आपकी जरूरत यानी कि आपकी नीड के ऊपर। अगर आपको AI फीचर नहीं चाहिए और वाईफाई इनेबल वाला फीचर भी नहीं चाहिए तो नॉर्मल वाली वॉशिंग मशीन आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन जाती है, जो कि 1400 RPM की स्पिन स्पीड के साथ आती है और ये वॉशिंग मशीन जो है वो प्राइस में भी आपको सस्ती मिलती है। वहीं अगर दोस्तों आपको इन दोनों फीचर की जरूरत है तो फिर आप इस वॉशिंग मशीन के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें कमी है कि वो ये है कि आपको स्पिन स्पीड केवल 1200 RPM ही मिलेगी, यानी कि ये वॉशिंग मशीन आपके कपड़ों को ड्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगाएगी। मैं अपने हिसाब से बताऊं तो दोस्तों मुझे बेसिकली AI फीचर की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि AI फीचर जो होता है दोस्तों वो इतना यूज़फुल भी नहीं होता है, वही वाईफाई इनेबल जो फीचर्स होता है वो भी इतना हेल्पफुल या इतना ज़रूरी नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों नॉर्मल वाली वॉशिंग मशीन बेस्ट है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों बहुत ही मेहनत और रिसर्च करके आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं ताकि आपको मदद हो एक बेस्ट प्रोडक्ट को अपने लिए चूज़ करने में। ऐसे में दोस्तों अगर आप अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दी गई एफिलिएट लिंक से ही परचेस कीजिएगा, आपको वहां पर बैंक की क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऑफर्स मिल जाएंगे। और अगर आप हमारी एफिलिएट लिंक से अगर परचेस करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस तो वही रहेगी, लेकिन दोस्तों आप इनडायरेक्टली हमारे चैनल की काफी फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दी गई एफिलिएट लिंक से ही परचेस करें। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट डिटेल्स LG की इन दोनों 8 kg 5-star फ्रंटल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में, जहां हमने इन दोनों ही वॉशिंग मशीन के डिफरेंट फीचर्स, कॉमन फीचर्स, प्रॉस एंड कॉन्स और रिकमेंडेशन भी बताए हैं। दोस्तों उम्मीद है ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अब आपको जरूर हेल्प होगी अपने लिए एक बेस्ट वॉशिंग मशीन परचेस करने में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।